Assalamualaikum, welcome back to my channel. It's me, Nishu. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे. आई नो कि आप लोगों का इंतजार होगा मेरे जनवरी के फेवरेट प्रोडक्ट्स की, क्योंकि फरवरी शुरू हो गया. प्यार का महीना, सेल्फ लव. बट खैर, किसी और को प्यार करने से अच्छा है यू लव योर सेल्फ. ठीक है, किसी और के लिए गिफ्ट लेने से अच्छा है अपने लिए गिफ्ट लें. मेरे ख्याल से इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है, राइट? सो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ क्या चीजें मैंने जनवरी में बहुत ज्यादा यूज की थी. एंड आई हाईली रिकमेंड दोज प्रोडक्ट्स. जो इंटरेस्टेड है कीप ऑन वॉचिंग, जो नहीं तो मेरी बाकी वीडियोस देख ले जाके. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. किधर गया भाई, अभी कोई लगाया था ये रहा. अच्छा जी, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ. मैं दराज 11/11 की सेल में से टोनर खरीदा था, वो तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को अच्छा जी, तो इन चुटकों के साथ वीडियोस बनाना इज सो मुश्किल. और इसको नींद आई हुई है तो मैं इसको सुला के वापस आती हूँ. इतना दुख, वो देखो वो देखो. आप सबको अपना फरियाद कर रही है. किसी करो मुआ. कर भी दो, बहुत टाइम लगा रही है. ओके जी, सो आई एम बैक. बहुत मुश्किल काम है यूट्यूब, वो भी बच्चों के साथ, इम्पॉसिबल. अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज जो मैं रिकमेंड करने जा रही हूँ इज सेरेंडिपिटी का मॉइस्चर सर्ज, जो कि मैं तकरीबन 2 महीनों से यूज कर रही हूँ. एंड रिकमेंडेड मेरी तरफ से, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बट दे वर काइंड इनफ, इन्होंने मुझे कोड दिया फॉर यू गाइज. इफ यू वॉन्ट टू यूज इट, यूज इट. नहीं यूज करना, ना करो. अच्छा जी, तो ये जो है ना, ये ड्राई और वेरी वेरी ड्राई और नॉर्मल स्किन के लिए है. ठीक है, स्मेल्स सो गुड. ये मेरी दूसरी बॉटल है, अभी मुझे रिसीव हुई थी तो आई थॉट वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि वो मेरी वाली मेरी वाली जो है ना वो बिल्कुल फिनिश हो चुकी है. सो ये सेकंड बॉटल है, लुक्स लाइक दिस. ठीक है, अंदर से रोशनी बहुत ज्यादा है. अच्छा, यू नीड बहुत थोड़ा सा, और ये आपको इतना कोई कमाल का ग्लो प्रोवाइड करती है ना कि आपकी सोच. स्टिकी और चिपचिप तो बिल्कुल भी नहीं है. कैन यू सी द ग्लो? आप लोग मुझसे पूछते हो ना, बगैर मेकअप के जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मेरे स्किन पे वो ग्लो सा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होता है. लाइक आई लव इट एंड रिकमेंडेड मेरी तरफ से. यूज कोड निशु, देन गेट डिस्काउंट. ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो कि मैं यूज करी हूँ आजकल इज फेस मी की आई क्रीम. बेसिकली ये करता क्या है, वैसे तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना इज गुड थिंग. अगर आपके अंडर आईज पे पफीनेस है, डार्कनेस है, इसको यूज करने के फौरन बाद ही आपको ऐसा फील होगा दैट आपकी जो अंडर आईज है वो ब्राइटन अप हो गई हैं. आज कसम खा ली है सबने, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही. रात को कुत्ता भौंकता है, सुबह में गाड़ियां चल रही होती हैं, करो तो मैं क्या करूँ, मर जाऊँ. अच्छा जी, तो यू नीड बिल्कुल इतनी टुन्नी पुन्नी सी क्वांटिटी एक अंडर आई के लिए. ठीक है, यूज करने का तरीका है कुछ इस तरह से, आप रब करोगे एंड टैप टैप करके अप्लाई करोगे. रात में यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 20+ हो तो आई क्रीम अपनी स्किन केयर रूटीन में जरूर ऐड करें. आप ये नहीं यूज करते हो, वेल एंड गुड, आप कोई भी आई क्रीम ले लो. आई क्रीम नहीं यूज करनी, मॉइस्चराइजर थोड़ा सा लेके अपने अंडर आईज पर अप्लाई कर लो. ठीक है, अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो विटामिन सी है, ब्राइटन अप योर स्किन अंडर आईज. ठीक है, और इसमें है अमीनो एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, कैफीन है, जो कि आपके अंडर आईज की डलनेस को रिमूव करता है, डार्कनेस को रिमूव करता है, पफीनेस को रिमूव करता है. सो हाईली रिकमेंड मेरी तरफ से. ये आपको vegas.pk से मिलेगा, अगर किसी स्टोर से मिल जाता है वेल एंड गुड, लेकिन vegas.pk से यू विल गेट ओरिजिनल ऑथेंटिक चीजें. सो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे. ओके जी, सो नेक्स्ट थिंग आई लव द मोस्ट इज मिनिसो का लिप बाम. मैंने आपको मिनिसो के हॉल में दिखाया था, एंड दिस लिप बाम इज वन ऑफ द बेस्ट, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट. आपके पैसे जाया नहीं होंगे, इट इज अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग. आपकी होंठों से बाहर ब्लीडिंग होता, मैंने अभी भी इसको अप्लाई किया अपने लिप्स पे, लिपस्टिक के ऊपर. आपके मुंह के अंदर नहीं जाता, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अक्सर लिप ग्लॉस होते हैं, मुंह के अंदर चले जाते हैं. जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, यू विल टेस्ट वाटरमेलनी सा टेस्ट, दैट्स इट. थोड़ी देर बाद चला जाएगा एंड यू वॉन्ट फील एनीथिंग ऑन योर लिप्स. लाइक इट्स नॉट ग्लूपी, नॉट स्टिकी एंड सो प्रिटी, लाइक होलोग्राफिक टाइप का, लेकिन नॉट ग्लिटरी. रिकमेंडेड है मेरी तरफ से. दिस वॉज कॉल्ड ग्लॉस एलोवेरा शाइनिंग वॉटरी लिप ग्लॉस क्यूकम्बर स्प्रिट्सर. इट सेज क्यूकम्बर स्प्रिट्सर बट इट टेस्ट लाइक वॉटरमेलन. आई होप यू कैन सी इट. यहाँ पे दिखा, दिखता कुछ इस तरह से. सी, थोड़ा सा होलोग्राफिक अफेक्ट है इस लिप ग्लॉस का एंड हाईली रिकमेंडेड. आई लव इट. I love it. अच्छा जी, तो नेक्स्ट आपको मैं रिकमेंड कर जा रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का न्यू कलेक्शन में आई शेडो पैलेट, विच इज कॉल्ड दिवा आई शेडो पैलेट. अच्छा, वाई आई एम रिकमेंडेड दिस वन, लेट मी शो यू वाई. हाँ,
कैन यू सी हाउ प्रिटी द पैलेट इज. अच्छा इसको मैं दो तीन बार यूज कर चुकी हूँ. ब्लेंडिंग बहुत मजे से होती है इसके. मैट्स की प्रेस्ड शिमर्स हैं. उफ, हाईली पिगमेंटेड. लाइक मैं आपको बता नहीं सकती. मैं सिर्फ एक स्वाइप में आपको दिखा रही हूँ, ठीक है. ये सिर्फ एक स्वाइप है, ठीक है. अच्छा एक दूसरा शेड मैं आपको दिखाती हूँ, द ब्लू वन. ये देखें, कोई और शेड दिखाऊं, ये वाला मेरा फेवरेट है. ये देखें, ये सिर्फ वन स्वाइप की पिगमेंटेशन है. और इवन अगर ब्रश के साथ भी आप इसको यूज करते हो ना, सेम ऐसी ही पिगमेंटेशन आती है. अच्छा इसमें फिर ये प्रेस ग्लिटर्स है जो कि ब्रश के साथ बहुत खूबसूरती से लगते हैं. सो इसीलिए आई लव 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 दिस पैलेट. बहुत प्यारे कलर्स हैं इसमें. आप डेली बेसिस पे भी इसको यूज कर सकते हो. इवन अगर आपका सैलून वगैरह है तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है. एंड बेस्ट पार्ट, सुपर अफोर्डेबल. अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड के आई शैडो पैलेट लेते हो तो 4-5 हज़ार से कम तो आपको मिलेंगे नहीं. और आई थिंक मैक्स 2000 रुपीस का ही है. तो वर्थ बाइंग. एंड यूज करें माय कोड NA76 एंड यू विल गेट 10% ऑफ. रिकमेंडेड. ओके जी, सो नेक्स्ट मैं आप लोग को रिकमेंड करने जा रही हूँ हाँ लिपस्टिक जो कि आई एम इन लव विद आजकल. इज फ्रॉम गॉश एंड इट्स कॉल्ड किस मी मैट लिप्स. एंड इसका शेड जो है इज लवेबल किस 11. ठीक है, दिखती कुछ इस तरह से है. क्रेयॉन लिपस्टिक है ये. एंड अंदर से ये दिखती कुछ इस तरह से है. ये मैंने टॉप शेल्फ पाकिस्तान से परचेज की थी खुद जब सेल चल रही थी. मेरे ख्याल से अभी भी सेल चल रही है. इसका शेड इज सो 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 प्रिटी एंड सुपर स्मूथ. लेकिन इसका जो इफेक्ट है आपकी लिप्स पे इज मोर लाइक बिल्कुल मैट. ऐसा नहीं कि ट्रांसफर प्रूफ हो जाती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. लेकिन अभी ये ग्लॉसी इफेक्ट है ना, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हो तो बिल्कुल मैट इफेक्ट देता है ये आपके लिप्स पे. ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, टचअप्स की आपको जरूरत पड़ेगी. लिपस्टिक की तरह ही है, बट स्टिल आई लव इट एंड इट हैज नो सेंट. मजे की बात ये, दीज आर अफोर्डेबल AF. के बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी ना वो होगी मिस प्रोडक्ट्स. लाइक ये हिट प्रोडक्ट्स है, मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स. लेकिन जो मेरे फेवरेट नहीं है उसको भी मैं ऐड करूंगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां कहती हैं आप वो वाले प्रोडक्ट्स शेयर नहीं करते जो बुरे होते हैं. तो आई विल शेयर दोस, क्योंकि हमेशा होता ऐसा है कि एक ब्रांड का चीज, जब ब्रांड की चीज, पश्तो एक्सेंट निकल रहा है फुदक फुदक के, जब एक ब्रांड की चीज आप यूज करते हो जरूरी नहीं है कि जो मुझे सूट नहीं कर रहा वो और को सूट ना करे. सो मैं इसीलिए इग्नोर करती हूँ या कोशिश करती हूँ कि मैं ब्रांड को एक्सपोज ना करूँ. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. समझ लग रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ. मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर एक चीज मेरे लिए काम नहीं करी तो हो सकता है वो किसी और के लिए काम करे. तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये चीज बहुत बकवास है, फजूल है, टोटल शिट है, तो वो मेरे ख्याल से उस ब्रांड के साथ बहुत सख्त नाइंसाफी है. हाँ अगर एक चीज बिल्कुल बुरी आपकी स्किन को डैमेज कर देती है तो हाँ उसको एक्सपोज करना बनता है. तो अभी मैं लास्ट चीज आपको दिखाने जा रही हूँ जो कि मैं यूज कर रही हूँ एंड आई लव इट. सो वो है सैफायर की ये लिप पेंसिल्स. दीज आर bomb.com, सुपर अफोर्डेबल. अगर आपने जिराट कॉस्मेटिक्स के लिप लाइनर्स यूज किए हैं, उनके टक्कर की ये लिप लाइनर्स है, ठीक है ना. तो दीज आर कॉल्ड सैफायर लिप कंटूर शेड. पैशनेट है. मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन सारे शेड्स परचेज किए हैं. मैं रिसेंटली 50% ऑफ था सैफायर में, उसमें से मैंने तमाम ये शेड्स परचेज कर लिए थे. आप भी सेल में अपनी जरूरत की तमाम चीजें खरीदा करो, ठीक है. अब मेरे ख्याल से सेल नहीं है, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू गेट इट रीजनेबल इन प्राइस. अच्छा सुपर डुपर क्रीमी इन सर्दियों में भी, वरना तो लाइनर सर्दियों में सही सख्त हो जाते हैं, सख्त पत्थर हो जाते हैं. तो ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है. और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है जैसे आप अप्लाई करो ना, मैट लिपस्टिक्स होती है ना, बिल्कुल वैसी हो जाती है, बिल्कुल मैट. आपकी लिप्स के ऊपर अगर आप लिपस्टिक कोई लगाते हो तो ब्लीड आउट नहीं होती बिकॉज ऑफ दीज. सो ट्राई दीज, यू विल लव देम. रिकमेंडेड. सो ये थी आज की वीडियो. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. मेक श्योर आप अपनी पसंद की चीजें मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मैं जरूर ट्राई करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अब तक अपना ढेरों ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.